हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी सभी लेवल्स क्लियर हो जाए, लॉजिक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए, जो हम लोग क्यों स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं, किस लेवल पर हम लोगों को बाई करना है, कब हम लोगों को सेल करना है, क्या हम लोगों का टारगेट होने वाला है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस। सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं रिलायंस के ऊपर, वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। वीक ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो यहाँ पे अगर हम लोग रिलायंस के वीकली चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक ने नीचे के लेवल से बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे हम लोगों को रैली देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस वीक में 2600 के लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। इस वीक में स्टॉक अपने ऑलमोस्ट हाई लेवल पे क्लोज किया है, तो सारा का सारा लास्ट वीक का सेलिंग प्रेशर जो है अब्जॉर्ब हो चुका है। अगर हम लोग वीकली चार्ट पे नेक्स्ट रेसिस्टेंस को देखेंगे तो 2800 के लेवल के राउंड है, साथ ही साथ 2700 के लेवल के राउंड आपको एक गैप भी है, जिस गैप को भी फिल करने के लिए स्टॉक जा सकता है। तो इसलिए नेक्स्ट वीक में रिलायंस के ऊपर जो है एक अच्छा हम लोगों को रैली देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही अगर वीकली चार्ट में हम लोग देखेंगे तो रिलायंस एक चैनल पैटर्न में ट्रेड करता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से रिलायंस के ऊपर जो है नेक्स्ट वीक में काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में भी क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है जो स्टॉक ने एक अच्छा यहाँ पे जो है आपको क्लोजिंग दिया है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है और काफी अच्छा जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन का पैटर्न भी बन रहा है। तो इसी वजह से वीकली एज वेल एज डेली चार्ट में जो है स्टॉक काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है। हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे बाई करने के लिए देखेंगे। बाई हम लोग कब करेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आज जो है मार्केट में ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, मार्केट स्ट्रांगली ओपन जरूर हुआ बट उसके बाद से जो है कंटिन्यूसली आपको साइडवेज में ही ट्रेड किया। तो यहाँ पे 2641 के ऊपर निकलते ही इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे आपको बाई करने वाले हैं। 2629 का हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 2641 के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाई करने वाले हैं, 2629 के नीचे हम लोगों का SL होने वाला है। तो 12 पॉइंट का हम लोगों का यहाँ पे SL होने वाला है। टारगेट हम लोगों का जो है पहला टारगेट 12 पॉइंट का रहेगा, तो 2655 के अराउंड जो है हम लोग पहले टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए देखेंगे। नेक्स्ट टारगेट आपका 2570 का होने वाला है। सेकंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड स्टॉक है HDFC लिमिटेड। वन सेकेंड डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ये स्टॉक भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे जो है एक अच्छा ब्रेकआउट आया था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में और आज के सेशन में यहाँ पे देखेंगे एक हॉल्ट कैंडल बना है, बिल्कुल इनसाइड कैंडल बना है। स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में है। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे, काफी अच्छा जो है प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में एक अच्छा मोमेंटम किया, उसके बाद प्रीवियस वीक में हॉल्ट कैंडल बना, वापस से इस वीक में एक अच्छा मोमेंटम किया है। तो स्टॉक के पास एक अच्छा स्पेस है, अभी भी मोमेंटम है इस स्टॉक में, ऊपर की साइड जो है आपको एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है। 5 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं इंट्राडे में हम लोग कब बाई करेंगे, तो यहाँ पे याद होगा हम लोगों ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी रखा था इसको बाई करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोगों के बाइंग प्राइस से ऊपर ज्यादा मूवमेंट किया नहीं, लेकिन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग इसको वापस से बाई करेंगे। 2469 के ऊपर हम लोग यहाँ पे आपको बाई करने वाले हैं। नीचे की साइड 2450 का हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। 2469 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे, 2450 के नीचे हम लोगों का SL होने वाला है। स्टॉप लॉस 19 पॉइंट का होने वाला है। टारगेट हम लोगों का यहां पे 2490 और 2510 का दो टारगेट रहेगा। थर्ड स्टॉक है मारुति। मारुति की अगर हम लोग वीकली चार्ट से स्टार्ट करें तो वीकली चार्ट में हम लोगों को यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इस लेवल को ध्यान से देखेंगे 8500 to 9000, ये लेवल जो है आपको बहुत ही क्रूशियल है। वीकली चार्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आपको सेम इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर आया था। वंस अगेन आपको काफी नीचे के लेवल से 7000 के लेवल से इस लेवल को हिट कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे जो है आपको सेलिंग प्रेशर डोमिनेट होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में बात करेंगे तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक ने अपने वीक के लोअर लेवल पे क्लोज किया है। साथ ही साथ जो है इसने आपको प्रीवियस 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे क्लोज दिया है। 8750 के लेवल के नीचे जो है स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है।
नेक्स्ट अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे, 85 का 100 का लेवल है जहां पे कि स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग यहां पे शॉर्ट साइड के लिए रखेंगे। तो 5 मिनट के चार्ट में अब हम लोग चलते हैं जो यहां पे हम लोग कहां पे शॉर्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल हम लोग यहां पे वेट करेंगे। स्टॉक ने काफी अच्छा जो है एक आपको रेंज बनाया है, इस लेवल के नीचे जैसे ही निकलता है 8676 के लेवल के नीचे जैसे ही स्टॉक निकलता है, इमीडिएटली हम लोग यहां पे आपको इस स्टॉक को सेल करने वाले हैं। स्टॉप लॉस होने वाला है 8725 का। ऑलमोस्ट जो है यहां पे हम लोगों का 49 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। पहला टारगेट जो है यहां पे आपका रहेगा 8625 का, दूसरा टारगेट रहेगा 8575 का। याद रहे, वन सेकेंड में रिपीट कर रहा हूं, 8676 के नीचे निकलते हैं इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए। 8725 के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट आपका यहां पे जो है 8625 और 8575 का दो टारगेट रहेगा। फोर्थ स्टॉक है आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर। वंस अगेन अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर भी बात करें तो डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो इस स्टॉक ने भी अपने आप को 5-6 ट्रेडिंग सेशन के नीचे लेवल पे आपको क्लोज दिया है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे एक काफी अच्छा इस स्टॉक में हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिला। कंटिन्यूअसली स्टॉक ने यहाँ पे आपको 2100 के लेवल से मूवमेंट किया। उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन को आपको ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो है हम लोगों को यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आपको ट्रेंड लाइन के राउंड ही यहाँ पे आपको क्लोज किया है, बिल्कुल उसी लेवल के राउंड यहाँ पे आपको क्लोज किया है। वीकली चार्ट पे अगर हम लोग यहाँ पे आपको बात करेंगे तो वीकली चार्ट पे क्लियरली आपको प्रीवियस 2 वीक से कंटिन्यूसली यहाँ पे, इनफैक्ट प्रीवियस 3 वीक से बायर्स ऊपर की साइड आपको यहाँ पे क्लोज जरूर करा रहे थे, बट इस वीक में जो है यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट करना स्टार्ट किया है और यहाँ पे करेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे 2100 के लेवल से स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट हुआ है, 400-500 पॉइंट का एक अच्छा रैली स्टॉक में हो चुका है, तो एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट मूव एक्सपेक्टेड है, उसके बाद ही स्टॉक में ऊपर की साइड मूवमेंट हो सकता है। वीकली एज वेल एज डेली चार्ट में स्टॉक जो है यहाँ पे हम लोगों को वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे आपको शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। शॉर्ट साइड के लिए हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे, बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पे आपको वेट करना है। एक बार के लिए जैसे ही नीचे की साइड जो है आपको यहाँ पे 2586 के लेवल के नीचे जैसे ही निकलता है, इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं। 2603 के लेवल के ऊपर हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। 2586 के लेवल नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, 2603 के लेवल के ऊपर जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। लास्ट स्टॉक होने वाला है एक्सिस बैंक। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी हम लोगों ने इस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन किया था, यहाँ पे आज आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखा। अगर हम लोग डेली चार्ट में बात करेंगे तो डेली चार्ट में क्लियरली यहाँ पे भी हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल का ही फॉर्मेशन होता हुआ दिखा है, और पैटर्न अगर देखेंगे एक आपको ज्वाइंट कैंडल बनता है, वापस से इनसाइड कैंडल, अगेन यहाँ पे जो है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूवमेंट हुआ था, आज एक इनसाइड कैंडल बना है, वापस से जैसे ही ब्रेक होगा ऊपर की साइड एक अच्छा मूवमेंट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे वीकली चार्ट जो है बहुत ही स्ट्रांगली आपको क्लोज हुआ है, एक जॉइंट वीकली कैंडल बनने के बाद 2 वीक आपको काफी एक रेंज में ही कंसोलिडेट किया, उसके बाद वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 750 के लेवल के ऊपर जो है, काफी टाइम के बाद वीकली कैंडल यहाँ पे सस्टेन किया है। अगेन 5 मिनट के चार्ट में हम लोग इस स्टॉक को वापस से बाई करेंगे। 762 के लेवल के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे आपको बाई करने वाले हैं। 762 के लेवल के ऊपर निकलते ही इमीडिएटली बाई करेंगे। 756 का हम लोगों का 758 का हम लोगों का यहाँ पे आपको SL होने वाला है। वन सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, 762 के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाई करने वाले हैं। 758 के लेवल के राउंड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट आपका 1:2 का होगा। अगर कोई भी स्टॉक ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आपको लेवल्स का वेट करना चाहिए, इमीडिएटली आपको वहां पे जंप नहीं करना है। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।